तो आज फिर से सुबह सुबह आ चुका है काम, और अभी भैया अकेले ही कर रहे हैं पैकिंग, तो अभी दीदी है नहीं, और अभी मैं और सागर भी मिलके करते हैं पूरा। तो गाइज़ यहाँ पे आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि हमारा जो पंखा है ना वो ख़राब हो चुका है, उसकी ऐसी आवाज़ है, तो इसीलिए सब आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी। मैं दिन के लिए सागर के लिए बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मैक्रोनी, और इसको ना मैं आज कुछ दूसरी तरह से बनाने जा रही हूँ। उसमें मैं ग्रीन वेजिटेबल भी मिक्स करके बनाने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक गाजर ले रखा है, और थोड़ी सी मैंने दो फूल लिए हैं फूल गोभी के, और इसमें से दो पत्ते लूँगी, चार हरी मिर्च। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं, तो पूरा मैं सूप टाइप का बनाने की कोशिश करूँगी आज, तो देखते हो कैसा बनता है। तो मैंने अभी यहाँ पे मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पत्ता गोभी थोड़ा सा काट लिया है, और एक टमाटर भी काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, हरी मिर्च और थोड़ी सी गोभी ये भी काट ली है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, और आज मैं पूरा वेजिटेबल वाला बनाने जा रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरह से, और देखती हूँ कैसा बनता है। कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छा बने, खाने में स्वाद आए, और नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ना ज़्यादा मसाले ना कुछ, बस नॉर्मल सा। तो भी दिखाती हूँ आपको, ऑयल गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मैंने वेजिटेबल काटा था सारा डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद इसमें डालना है मैंने मैक्रोनी, तो इसको ज़्यादा मैंने पकाना नहीं है। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी डाल दी है मैंने, अभी यहाँ पे मैंने मसाले के नाम पे इसमें सिर्फ काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसमें थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी बस। और अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है, क्योंकि ये बनाने हैं मुझे जैसे कि सूप की तरह एकदम। तो पानी ऐड करना है इसमें, तो मेरा ये बन चुका है, और अब मैं सागर के लिए लेके जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा कलर आ रखा है, वो खाने के बाद ही बताएगा कि टेस्ट कैसा आ रखा है। कोशिश तो अच्छी की है बनाने की। ये ना मैंने देखा था कहीं पे, ये ना खाने में जितना ही अच्छा होता है उतना ही मतलब पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें मसाले के नाम पर कुछ भी नहीं है, और वेजिटेबल ज़्यादा डाल रखी मैंने। तो भी बताते हैं, और सागर सबको आ गया खा ले, अभी खाता हूँ। आज मैंने नए तरीके से बना रखी है ना, सही हो रहा है, सही हो रहा है, फिर सब सही है। मसाले कुछ नहीं डाले थे मैंने, ये नॉर्मल है ना। तो गाइज मैंने कोशिश की थी, तो सागर बोल रहा है कि अच्छा ही बनाए, तो भी खा रहा है सागर। तो आज काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ मैं, मोनिका और उनका नाम पता नहीं मुझे है, प्राची प्राची सुन के भी भूल जा रही हूँ। हाय तो बोल दो यार, मेरे ब्लॉग में भी बोल दो हाय। ये है दो सुंदर सुंदर हीरोइन है दिल्ली की, नोएडा की है ना। तो अभी हम निकल गए हैं, नीचे आ गए हैं रूम से, और अभी दिखाते हैं आपको सरोजनी में, क्योंकि यहाँ तो हर सीज़न में अलग अलग कपड़े आते हैं, तो अभी ठंड के कपड़े आए होंगे वही दिखाएंगे आपको। तो हम अभी पहुँच गए हैं सरोजनी, और यहाँ पे सबसे पहले सागर को लेनी थी अंगूठी, तो वही देखें, और यहाँ पे कोई भी अंगूठी हम लेते हैं तो वो 30 रुपए की है कोई सी भी। अंगूठी लेने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कुछ पसंद आता है तो लेते हैं। अच्छा
तो सरोजनी मार्केट घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर, और अभी हमें ऑटो मिल चुका है और अब निकल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट के पास, और अभी यहाँ से थोड़ा और रह गया है तो अभी जा ही रहे हैं हम लोग। तो सरोजनी से आने के बाद अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी, और ये अभी सागर लेके आया है सबके लिए नारियल पानी, तो मैं पहले पी लेती हूँ नारियल पानी। कर रहा है अभी यहाँ पे अनबॉक्सिंग नारियल की अनबॉक्सिंग। हो गया ये डालना जरा, हो गया, थैंक यू। और सबके लिए है, स्पेशली मेरे लिए ही नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये हेयर ड्रायर है, इससे मैंने बाल सुखाए थे ना, यहीं रखा हुआ है। कहाँ है? बस एक ही नारियल, दो नारियल, एक मैं पी लिया।